हेलो फ्रेंड्स, यंग एडवेंचरर्स एंड ट्रैवलर्स, मैं हूं राजीव अरोड़ा। आज मैं बताऊंगा वन पॉट मटन बनाने के लिए, जैसे आप कैंपिंग कर रहे हैं या पिकनिक पे जा रहे हैं। दिस इज़ एन आइडियल डिश टू मेक। अब एक पॉट में ही सब बन रहा है मटन, इसे आज बताऊंगा मैं ये मटन कैसे बनाया जाए। वेरी इजी टू कुक। आप घर से बाहर जा रहे हैं, आप कहीं भी पिकनिक पे जा रहे हैं, कैंपिंग साइट पे हैं, तो आप बना सकते हैं। इवन आप घर के बैकयार्ड में भी बना सकते हैं। एंड अगर आप ट्रैवलर हैं तो कुक करना भी आना चाहिए आपको, क्योंकि कुकिंग इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एन ट्रैवल। आप बाहर जाते हैं, जिस जगह जाते हैं वहाँ का फूड ट्राई करते हैं, वहाँ का फ्लेवर्स अरोमा ट्राई करते हैं, तो इट इज़ पार्ट ऑफ दैट जर्नी। फूड इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रैवल, सो विदाउट फूड नो जर्नी इज़ कम्प्लीट। तो आज मैं आपको बना बताऊँगा वन पॉट मटन। ये एक ही पॉट में, अर्दन पॉट में हम मटन बनाएंगे। इसका स्टेप बाई स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा। वेरी इजी टू कुक, आपने एक बैकयार्ड में ही आप बना सकते हैं। पिकनिक करने गए हैं, कैंपिंग साइट पे हैं, वेरी इजी टू कुक। एक कोई आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत नहीं है, सब एक साथ ऐड किया। टुडे वी आर कुकिंग हाफ किलो मटन, तो ये हम अर्दन पॉट में बना रहे हैं। हांडी मीट भी कहते हैं, कई जगह इसको ओहना मीट भी कहते हैं, ओहना मटन। तो आज हम बताएंगे कैसे ये ओहना मीट बनाया जाए या वन पॉट मटन बनाया जाए। हांडी मटन बनाने के लिए हमें पहले हांडी चाहिए होगी। ये मिट्टी की हांडी है, ये हर जगह अवेलेबल हो जाती है, सस्ती आती है, 20-30 रुपए में आपको मिल जाती है इजली। इसके साथ ही हांडी के साथ हमें इसकी ढक्कन भी चाहिए, ये भी मिट्टी का बना हुआ है। पर इसमें एक ध्यान रखिए, इसमें छेद होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए छेद है, ये स्टीम निकलने के लिए है। इसको हम मटन डाल के इसको हम इसमें इससे सील करेंगे, यहाँ पर हम आटे से सील करेंगे। ये हम गैस पे भी बना सकते हैं, पर ध्यान रखें हीट पे बड़ा ध्यान देना होता है। हम इसको कोयले पे बनाएंगे, घर के बाहर बना रहे हैं क्योंकि हम कैंपिंग कर रहे हैं या पिकनिक पे जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे एक नॉर्मल कोयले की फायर या अपने बॉन फायर बना के उस पर हम ये रख सकते हैं। इसको बनाने के लिए पहले हम ये जो हमने मस्टर्ड ऑयल लिया था, इसे हम थोड़ा सा इसको हम डाल के तो चारों तरफ वॉल्स में ताकि लग जाए, ताकि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करे मटन का। इसको हमने पूरा चारों तरफ लगा देना, सो दैट जो मॉइस्चर है मटन का वो ये एब्जॉर्ब ना करे। सो एक कोटिंग आ जाएगी चारों तरफ मस्टर्ड ऑयल की, सो तो हमारा मटन सकुलेंट रहेगा, मॉइस्चर कंटेंट बना रहेगा, क्योंकि इसमें हम पानी ऐड नहीं कर रहे हैं। जो मटन का पानी है और जो प्याज का पानी है, उसी से ही मटन बनेगा। अब हम आ रहे हैं मेन इंग्रेडिएंट्स पे, जो कि गरम मसाले हैं। ये ही मेन फ्लेवर देते हैं हमारे हांडी मीट को, जो हम हांडी में मटन बना रहे हैं, दम में बना रहे हैं। यही सब इंग्रेडिएंट्स इसको फ्लेवर देंगे। स्टार्टिंग में मैं लेता हूँ 1.5 से 2 चम्मच घर का पिसा हुआ गरम मसाला, और ये खड़े मसाले हैं। खड़े मसाले में 8 से 10 लौंग, जायफल लेना है, जायफल का एक छोटा सा पीस लेना है बस, आप ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, इसमें छोटा सा टुकड़ा ही लेना है। जावित्री, 8 से 10 काली मिर्च, 1 स्टार अनीस, 1.5 से 2 इंच सिनेमन स्टिक, दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और 5 या 6 हरी इलायची। ये आप देख रहे हैं, ये पिसा हुआ खड़ा मसाला है, जिसको मैंने ज़्यादा फाइन नहीं किया है, कोर्सली ग्राउंड ही है ये। एंड दिस इज सॉल्ट एज पर टेस्ट। एक और मैं यूज़ करता हूँ ये टाटा संपन्न का मटन मसाला, ये मैं आधा पैकेट ही यूज़ करता हूँ। ये मैं जनरली रखता हूँ घर में, एक शैशे आता है, तो ये मैं यूज़ कर लेता हूँ। टाटा संपन्न का मीट मसाला, ये मैं आधा पैकेट यूज़ करता हूँ। तो इन सब को डालने के बाद हम लोग मटन की तैयारी शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, वो है 2 पॉड हमने गार्लिक लेना है, 2 अलग से गार्लिक पॉड्स अलग से लेने हैं, 4 से 6 ग्रीन चिलीज, 4 मीडियम साइज अनियन या प्याज लेना है, 4 प्याज फाइनली चॉप करना है, ये आपको ध्यान रखना है, और 2 हमने रोज़ पेटल्स के लिए ये ले लिए हैं, 2 रोज़ के पेटल्स ले लिए हमने। ये हमने पहले मेन हम इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। अब हम ये लेंगे पूरा प्याज, एक पैन में डाला हमने। अब हमने इसमें डाली हरी मिर्चा, गार्लिक, हम ये 2 पॉट्स भी इसमें ही डाल देंगे, और इसमें हमने ये रोज़ पेटल हैं, इसको हम थोड़ा क्रश कर लेते हैं हाथ से, थोड़ा काट लेंगे हाथ से।
आपने इसको तोड़ के डाल लिया थोड़ा, बस पेटल्स हो गए। अब हमने इसमें डाला ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला। अब हमने डाला ये कोर्सली ग्राउंड जो हमने खड़े मसाले लिए थे वो ऐड किए। अब इसमें हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया, बाद में एज़ पर योर टेस्ट यू कैन ऑलवेज ऐड। ये हमने सारा मसाला लिया था हाफ किलो मटन के लिए, ये है हाफ किलो डाइस्ड मटन, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसको ऐड करने से पहले हम एक इंग्रेडिएंट भूल गए थे, वो है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। ये कम से कम 250 ग्राम मस्टर्ड ऑयल लेना है, जलाया हुआ है, इसको हमने हीट करके रखा हुआ था पहले। नाउ विल पोर ऑल दिस ऑयल इनटू दिस मिक्सचर। अभी हमने मीट ऐड नहीं किया है, अभी हमें ये ही मसाला तैयार करना है। ये पूरा पूरा ऑयल हमने इसमें ऐड कर देना है। इसमें ध्यान रखना है जिंजर नहीं पड़ेगा, अदरक नहीं पड़ेगा, सिर्फ लहसुन के ही फ्लेवर से और गरम मसाले के फ्लेवर से ही इसका टेस्ट आएगा। हमने देखिए पूरा ऑयल डाल लिया। अब हमने इसमें इसको हाथ से मिक्स कर लिया, अच्छे ढंग से मिक्स कर लिया हमने इसको। अब हमने इसमें ये अपना मटन, आधा किलो मटन हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। अब हम डालेंगे ये आधा पैकेट टाटा संपन्न का मटन मसाला, ये हमने आधा पैकेट ही डालना है इसमें। ये हमने डाल दिया आधा पैकेट और इसको भी हमने मिक्स कर दिया अच्छे से। ऐसा मिक्स कर देंगे तो इसको अच्छे ढंग से मिक्स करके हमने हांडी के अंदर इसको डालना है। इस पूरे हांडी मटन को बनने में लगते हैं कम से कम 1 घंटा से 1.25 घंटा लगता है। जैसा आप कुक कर रहे हैं इसको मैं रखा हुआ है, हर आधे 15 मिनट बाद इसको थोड़ा हिलाना है आपने। इसको कपड़े से पकड़ा आपने और इसको आपने पकड़ा ऐसे और हल्का सा आपने शेक किया सो दैट थोड़ा सा मिक्स हो जाए। अब हम थोड़ा चेक करते हैं हमारा मटन कितना बना है और फ्लेम चेक करते हैं। देखिए यहाँ से धुआं भी आ रहा है, थोड़ा चेक करते हैं। अब इसमें हम एक और काम कर सकते हैं, हम ये आलू ले सकते हैं। हमने जब कह रहे हैं तो जब ये बना ही रहे हैं मीट तो हम क्यों ना इसमें हम ऑयल में हमने आलू रख दिए और हमने इसको बीच में रख दिया तो हम लोगों को भी बेक पोटैटोज़ का टेस्ट आएगा इसमें, अच्छे ढंग से हो जाएंगे। फॉइल रखने से क्या है जलते नहीं है और काफ़ी वेस्टेज नहीं जाता, क्योंकि जनरली अब नॉर्मल करते हैं फॉइल के तो सूख जाता है और काफ़ी जल भी जाता है। तो ये हमने रख दिया, ये हमने इस पर रख दिया। अब हम इसको साइड रखा हुआ है तो इस तरह करके हम उस पर बना सकते हैं। अब हम इसको अपने मटन को फिर से इस पर रख देते हैं सो दैट हीट इज़ देयर और 10-15 मिनट और रखेंगे उस पर हमारा मटन रेडी हो जाएगा। इन द मीन टाइम ये इस फ्लेम में जो ये चाकोल है इसमें ये आलू बेक होते रहेंगे एंड वी कैन हैव स्टीम्ड एंड बेक्ड पोटैटोज। तो जो वेजिटेरियन भाई लोग हैं साथ में वो ये खा सकते हैं। अब हमारा लगता है मीट तैयार हो गया है, अभी कम से कम 1 घंटा 10 मिनट हो गया हमें मीट रखे। अब हमने क्या करना है, इसको उठा के नीचे रख देना है। अब ये पड़ा रहेगा कम से कम आधे घंटे, ऐसे आधे घंटे छोड़ देंगे उसके बाद हम इसे खोलेंगे। तब तक ये हमारे आलू रोस्ट हो रहे हैं इसके अंदर। अब हम खोलते हैं अपना वन पॉट मटन को, गरम है अभी भी, इसको हम थोड़ा स्क्रैप कर लेते हैं यहाँ से।
और ये हमारा मटन तैयार। ये देखिए फर्स्ट क्लास, इसका मटन का रंग देखिए फर्स्ट क्लास गल गया है, सब कुछ एकदम मटन एकदम रेडी है। ये देखिए बीच में और लहसुन भी आ रहा है बीच में, ये देखिए एकदम फर्स्ट क्लास टेंडर हो चुका है मटन। अब मैं ये सर्व करता हूँ, देखते हैं कैसे ये बना है मटन। ये देखिए साथ में लहसुन भी है, इसको भी आप खा सकते हैं साथ में, एक बहुत अच्छा ही टेस्ट देता है। पूरा मटन गल चुका है इसमें, अब टेक्सचर देखिए एब्सोल्युटली पूरा बन गया है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हमारा मीट हो गया तैयार, पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें भूलनी नहीं चाहिए। कभी आप कैंपिंग जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, कुक कर रहे हैं, फायर जला रहे हैं, तो आपको ज़रूरी है इस फायर को बुझाया जाए। यू हैव टू बी ए रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर, आप इसको पूरा बुझाएं, ढंग से बुझाएं, क्योंकि तो काफ़ी फायर्स इसी कारण से होती हैं मैंने देखा। सो फ्रेंड्स बी ए रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर, हैव ए नाइस टाइम। जय हिंद, जय भारत।